दोस्तों काफ़ी सारी क्वेरीज, काफ़ी सारे क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए हैं लैंग्वेज को लेके कि नए ऐप में, इंजन के नए ऐप में हम लैंग्वेज कैसे चेंज कर सकते हैं। यानी कि अगर आपकी लैंग्वेज इंग्लिश है तो इंग्लिश से हिंदी कैसे कर सकते हैं, और अगर हिंदी है तो हिंदी से इंग्लिश कैसे कर सकते हैं। ट्रेडिंग ऐप की मैं बात कर रहा हूँ, एंजल वन की। दूसरा जो ज़्यादातर क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है वो ये कि हम नॉमिनी को कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। नॉमिनी मतलब कि भगवान ना करे अगर आपको कुछ हो जाए तो आपके अकाउंट का उत्तराधिकारी कौन होगा या किसके पास आपका पूरा पैसा आएगा, तो उसको नॉमिनी बोलते हैं। नॉमिनी को कैसे रजिस्टर करें, नए ऐप में ये फीचर कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। क्योंकि दोस्तों क्या था कि पहले पिछले ऐप में, जो पुराना ऐप था, उसके अंदर सेटिंग्स में जाके आप लैंग्वेज चेंज कर सकते थे, लेकिन अभी ऐसा कोई भी ऑप्शन आपको नए ऐप में दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं और कैसे आप अपना नॉमिनी रजिस्टर करवा सकते हैं एंजल वन के नए ऐप में। दोस्तों तो सबसे पहले बात करेंगे लैंग्वेज चेंज की। इससे पहले आपको प्रोसेस बताऊं लैंग्वेज चेंज का, आपको ये थोड़ी सी रिकॉर्डिंग सुननी होगी। You are saying that there is no facility to change language on the app. No, but till now there is nothing like that, because I know that in our old app there was facility to convert, but as of after updation there is no regarding with any issue has been come. So after some time there will be update with it, because many more clients have told us about this, so our company will work on it and will provide it. तो अभी लैंग्वेज चेंज नहीं कर सकते, राइट? नहीं सर, अभी के लिए नहीं हुआ है। ठीक है रिया, एंड आप श्योर हैं इस बात को लेके? आपने कंफर्म किया है एंजल में ये है? यस सर, अभी भी मुझे पहले भी थोड़ी देर पहले पूछा था ना, तो मुझे मेरी टीम से पता चला है कि अभी ऐसा नहीं हुआ है। उन्होंने मुझे ये बोला है कि तुम्हारे ऐप में ऐसा था अपडेट का, बस इतना भी नहीं है, क्योंकि सर अभी अभी वो 2 दिन में हुए आपको आके अपडेटेशन, तो मैंने पहले अपडेटेशन और क्लाइंट को अभी ये अपडेट में भी कभी कभी इशू आ जाता है कि अभी ऑनलाइन तो उनका इतना आइडिया नहीं होता है, तो ये सब से डील करने के बाद हम चेंज कर पाएंगे। जो बहुत सारे अभी के भी आप अगर म्यूचुअल फंड में अगर आप करते होंगे इंजल के थ्रू, तो आपको आइडिया होगा कि इंजल बी भी अभी एक बार सनसेट होकर डिवाइड नहीं आ रहा है, तो बहुत सारे सर अपडेटेशन है, तो इसके साथ ये भी सर हो जाएगा। सॉरी, नाम क्या था आपका? रिया। ठीक है रिया, थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन। ओके, थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे। यू टू। तो दोस्तों आई एम श्योर आप में से ज़्यादातर लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये रिकॉर्डिंग किस विषय में थी। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, काफ़ी बार जब मैंने ट्राई किया सेटिंग्स में जाके ढूंढने का कि कहाँ से मैं लैंग्वेज चेंज कर सकता हूँ, मुझे जब कुछ नहीं मिला तो हार कर मैंने कस्टमर केयर में कॉल किया। जब मैंने पहली बार कॉल किया तो मुझे बताया गया कि सेटिंग के अंदर से ये चेंज हो जाएगा। जब मैंने उनसे पूछा कैसे चेंज होगा तो वो कॉल किसी तरीके से कट गई या ड्रॉप हो गई। उसके बाद मैंने दोबारा कॉल मिलाया कस्टमर केयर में, तो दूसरे एजेंट ने मुझे बताया कि अभी ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है जिससे आप लैंग्वेज चेंज कर सकें ऐप में जाके। मैंने उनसे पूछा क्या आप लोग चेंज कर सकते, तो उन्होंने कहा नहीं, हम लोग भी इसको चेंज नहीं कर सकते, अभी थोड़े से इश्यूज आ रहे हैं, जल्दी ही ये सुविधा दी जाएगी। दोस्तों साथ ही उन्होंने एक्सेप्ट किया कि म्यूचुअल फंड्स में भी इश्यू आ रहे हैं, 2 महीने हो गए हैं अभी तक वो भी रिजॉल्व नहीं किए गए हैं, और भी छोटे छोटे इश्यूज हैं जो एंजल वन में आ रहे हैं, पहले भी लोग इसके बारे में कॉल कर रहे हैं लेकिन लैंग्वेज चेंज का अभी कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो दोस्तों काफी कॉम्प्लिक स्थिति है, क्योंकि काफी लोग ऐसे हैं जो सिर्फ हिंदी में ही ट्रेड करते हैं, यानी जो शेयर भी हिंदी में सिलेक्ट करते हैं और पूरी ट्रेडिंग ही वो हिंदी के ऐप में करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए काफी मुश्किल हो गई है क्योंकि वो इंग्लिश में ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं। तो उन लोगों को अभी इंतजार करना पड़ेगा और मुझे नहीं लगता जल्दी ही ये समस्या दूर की जाएगी। दोस्तों अब दोस्तों बात करते हैं दूसरे प्रोसेस की, यानी नॉमिनी रजिस्टर करने का, नॉमिनी चेंज करने का क्या प्रोसेस है। यह प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। डायरेक्टली आप कॉल करके या मेल करके इसको चेंज नहीं करवा सकते। प्रोसेस इस तरीके से है दोस्तों, पहले आपको करना पड़ेगा कस्टमर केयर में कॉल, या फिर आपको करना पड़ेगा ईमेल। आपको कॉल और ईमेल में बताना पड़ेगा कि आपको अपना नॉमिनी ऐड करना है या नॉमिनी अपना चेंज करना है। उसके बाद स्टेप नंबर टू यह होगा कि एंजल वन आपकी ईमेल आईडी पे एक फॉर्म भेजेगा, नॉमिनी चेंज करने का फॉर्म। स्टेप नंबर थ्री यह है कि आपको वो फॉर्म कंप्लीट करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा, आपको नॉमिनी की डिटेल्स डालनी पड़ेंगी, डेट ऑफ बर्थ वगैरह डालनी पड़ेंगी। वो फॉर्म कंप्लीट हो जाने के बाद आपको एक एड्रेस एंजल वन देगा, उस एड्रेस के ऊपर आपको वो फॉर्म कुरियर करना पड़ेगा। जी हां, सॉफ्ट कॉपी नहीं चलेगी, यानी ईमेल पे आप नहीं भेज सकते, आपको कुरियर ही करना पड़ेगा हार्ड कॉपी उसकी निकाल के। हार्ड कॉपी का मतलब यह है कि पहले जो फॉर्म आपके पास एंजल वन भेजेगा उसका प्रिंट आउट निकालिए, प्रिंट आउट निकाल के उसके अंदर
अंदर डिटेल्स भरिए, उसको साइन कीजिए, साइन करने के बाद उसको कूरियर या स्पीड पोस्ट कीजिए जो भी एड्रेस एंजल वन आपको देगा। एक बार फॉर्म आपका एंजल वन को रिसीव हो जाएगा तो एक या दो हफ्ते के अंदर अंदर आपका नॉमिनी चेंज हो जाएगा या ऐड हो जाएगा या रजिस्टर हो जाएगा। ये प्रोसेस है दोस्तों जिससे आप अपना नॉमिनी चेंज कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर अभी तक आपने अपना नॉमिनी ऐड नहीं किया है तो प्लीज़ आप अपना नॉमिनी ऐड करवा लीजिए दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि लैंग्वेज चेंज हम नहीं करवा सकते, नहीं कर सकते फिलहाल के लिए। अगर नॉमिनी आपको ऐड करना है तो उसका क्या प्रोसेस होगा। कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं, कोई भी आपके सवाल हैं तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आके मुझसे पूछ सकते हैं। जानकारी अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलेंगे मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज़ और जय हिंद।